ओम शांति आज 24 जनवरी 2022 दिन सोमवार की साकार मुरली आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो प्रश्न देवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए उत्तर सर्विस का ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें यह शौक रखो तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है जहां भी मेले आदि लगते हैं लोग स्नान करने जाते हैं वहां परचे छपाकर बांटने हैं ढिंडोरा पिटवाना है गीत तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया है जमी तो जमी आसमां पा लिया है ओम शांति निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो हम आत्मा हैं हमको बाप पढ़ाते हैं बाबा ने समझाया है संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं अभी देही अभिमानी बनो तुमने जो तप जप दान पुण्य आदि किए हैं उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला पांच विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं वास्तव में असल तुम देही अभिमानी थे फिर से अभी यह प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो ये पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है सत्युग में यह पांच विकार होते नहीं है देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है वह सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम बदलकर देह अभिमानी बन जाते हो इनको सोल कॉन्सेंस और उनको बॉडी कॉन्सेंस कहा जाता है निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता है वह तो है साइलेंस वर्ल्ड यह संस्कार इस संगम युग पर ही होते हैं तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है सतयुग में तुम देही अभिमानी होने कारण दुख नहीं उठाते हो क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा हैं। यहां तो सब अपने को देह समझते हैं बाप आकर समझाते हैं बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विक्रम विनाश होंगे फिर तुम विक्रमाजीत बन जाते हो शरीर भी है राज्य भी करते हो तो आत्म अभिमानी हो यह जो तुमको शिक्षा मिलती है इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो सदैव सुखी रहते हो सोल कॉन्सियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं इसलिए बाबा समझाते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे वह गंगा स्नान जाकर करते हैं परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं न योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है जैसा समय वैसी सर्विस कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं कोई सागर पर कोई नदी में भी जाते हैं तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े खूब बांटने चाहिए पॉइंट ही सिर्फ यह हो बहनों भाइयों विचार करो पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो वह इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले नदियां तो सब जगह हैं। नदियां निकलती हैं बहुत दूर से नदियां जो जहां तहां बहुत हैं, फिर क्यों कहते हैं कि इसी ही नदी में स्नान करने से पावन होंगे खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं सतयुग में भी स्नान करते हैं वहां तो है ही पावन यहां तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने तो उन्हों को समझाना है अंधों की लाठी बनना है सुजाग करना है पतित पावन आकर पावन बनाते हैं तो दुखियों को रास्ता बताना है ये छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए लाख दो लाख छपाने चाहिए जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है उन्हों की बुद्धि काम करेगी यह चित्र दो तीन लाख सभी भाषाओं में होने चाहिए जगह जगह पर सर्विस करनी है एक ही पॉइंट मुख्य है आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलती है मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो फिर पढ़े वा ना पढ़े तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है झगड़े आदे भी बढ़ते जाएंगे मिलकियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं विनाश तो सामने है ही है जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे वह समझेंगे बरोबर यह तो पहले भी हुआ था तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे व योग अग्नि से पावन बनेंगे भगवानुवाच मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे जहां जहां भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए मेले भी बहुत लगते हैं जिससे ढेर मनुष्य जाते हैं परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सके ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए यह है ज्ञान रत्न सर्विस का बहुत रखना चाहिए हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं ना यह है ही मनुष्यों को देवता अथवा पतित को पावन बनाने की मिशन यह भी तुम लिख सकते हो कि बाप ने समझाया है मन मनाभव पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है बाप को बार बार याद करो सिमर सिमर सुख पाओ कलह कलेश मिटे सब तन के अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे बाप ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो अर्थात याद करो ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो शिव के भक्त ऐसे शिव शिव कह माला जपते हैं वास्तव में है रुद्र माला शिव और सालिग्राम ऊपर में है शिव बाकी हैं छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं आत्मा इतनी छोटी बिंदी है काले दानों की भी माला होती है तो शिव की माला भी बनी हुई है आत्मा को अपने बाप को याद करना है बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है अर्थ तो कोई समझते नहीं है शिव शिव जपने से विकर्म थोड़े ही विनाश होंगे माला फेरने वालों के पास यह ज्ञान नहीं है कि विकर्म तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं कि मा कम याद करो बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे विकर्म विनाश नहीं होंगे काशी में भी जाकर रहते हैं तो शिव काशी शिव काशी कहते रहते हैं कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए बाप कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाना है तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो पर्चे ले जाकर समझाओ बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो मौत तो सामने खड़ा है यह दुखधाम है अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तब ढिंडोरा पिटवाते हैं नहीं तो कोई थोड़े ही ऐसे पर्चे छपवा सकते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए पहेलियां भी जो बनवाई हैं वह सर्विस के लिए है बहुत हैं जिनको सर्विस का शौक नहीं है ध्यान में ही नहीं आता है कि कैसे सर्विस करें इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़िया अर्थात जंजीरें पड़ी हैं, तो देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं समझा जाता है यह क्या जाकर पद पाएंगे तरस पड़ता है सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं कोई तो अक के फूल भी हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं हम फलाने फूल है हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अक के फूल जाकर बनेंगे बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो कोई तो सच्चा हीरा है कोई काले झुंझार भी है हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए हमको हीरे जैसा बनना है अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार दे अभिमान की कड़ियां अर्थात जंजीर काट देही अभिमानी बनना है सोल रहने का संस्कार डालना है सर्विस का बहुत शौक रखना है बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है सच्चा हीरा बनना है वरदान कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं कराने वाले ने करा लिया ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा कर्म करते तन का भी हल्कापन मन की स्थिति में भी हल्कापन जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे मालिक होकर इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्के पन का अनुभव करना यह कर्मातीत बनना है स्लोगन सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित सदा सुखी और खुशनसीब बन जाएंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य किस्मत बनाने वाला परमात्मा किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे इस पर समझाया जाता है मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है वो तकदीर कैसे बनाएगा इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मातन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है अच्छा लवलीन स्थिति का अनुभव करो जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे इसी स्नेह के सागर में समा जाओ यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है इसके अंदर माया आ नहीं सकती ओम शांति